नमस्कार दोस्तों मैं एन एम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एनटीपीसी सीबीटी वन में पूछे गए सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखते हैं एक अलजबरा का क्वेश्चन क्या है सवाल देखेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर बारह एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर फिफ्टी बराबर फिफ्टी बराबर पचास तो x के पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स के पावर फोर बराबर क्या होगा ध्यान देंगे x के पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स के पावर फोर की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है और ये पचास के बराबर है पचास के बराबर है मल्टीप्लाइड भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी अब ध्यान देंगे, अगर X X बराबर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं वैल्यू बारह माइनस टू बारह का स्क्वायर माइनस टू एक सौ चौवालीस में से दो घटेगा एक सौ बयालीस यहां एक सौ बयालीस फुट कर देंगे पांच दुना दस पांच दुना दस चार पचे बीस और एक इक्कीस दो पांच दो सात यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना सेवेंटी वन हंड्रेड इज द राइट आंसर सेवेंटी वन हंड्रेड इज द राइट आंसर ध्यान देंगे थोड़ा सा सेवेंटी वन हंड्रेड इज द राइट आंसर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इसको थोड़ा सा नोट करते हुए चलेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर ए है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर यदि ए है तो x माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है x माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वह होती है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर दूसरा दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू तीसरा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू होता है ए क्यूब माइनस क्या थ्री ए ए क्यूब माइनस थ्री है अगर ए हो तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस टू एक्स के पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फोर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू माइनस ए स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि x के पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फाइव का मान क्या होगा यह दिया हुआ रहेगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन है तो x के पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फाइव का मान क्या होगा तो x के पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स के पावर फाइव का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए क्यूब माइनस थ्री ए आप ब्रैकेट बंद करके माइनस ए कर लेंगे माइनस क्या कर लेंगे ए कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए क्यूब माइनस थ्री ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए ए क्यूब माइनस थ्री ए माइनस ए इज द राइट आंसर यही हो जाएगा x बराबर ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए क्यूब माइनस थ्री ए माइनस क्या ए क्लियर है आज हम लोग इतना ही रखेंगे अगले क्लास में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखें